हेलो एवरी वन माई नेम इज़ प्रखर मिश्रा एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा एंड आई एम बैंगलोर एंड आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेस्ट टाइम टू स्टार्ट क्लैट की प्रिपरेशन क्या हो सकता है एंड कहाँ से करें कोचिंग लें कि नहीं लें कैसे तैयारी करें पूरे साल भर को अपन प्लान कैसे करेंगे सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एंड आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो के बाद आपको ये सारी चीज़ों पर क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल सकती है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मुद्दे से दैट इज़ के कब तैयारी चालू करें क्लैट की तो एक चीज हमको दिमाग में रखनी है यह वीडियो अगर आप बहुत स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में देख रहे हो तो बहुत सही टाइम है बिल्कुल आप कर लो तैयारी क्लैट का एग्जाम जो है वो हमेशा दिसंबर में होता है एंड दिसंबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में वो पेपर होता ही होता है हमेशा ठीक है तो अगर आप बिल्कुल लास्ट मंथ में हो दैट इज अक्टूबर नवंबर वो क्लैट की तैयारी करने का थोड़ा सा गलत टाइम में बोलूंगा क्योंकि क्लैट अब क्रैश कोर्स में निकालने वाला पेपर नहीं बचा है क्लैट जो है उसमें रीडिंग इंटेंसिव आपको बहुत ज्यादा रहना पड़ता है अगर आपकी रीडिंग अच्छी है रीडिंग की अगर मैं बात करूं रीडिंग स्किल्स अगर आप तेज रीड कर पाते हो जल्दी से रीड करके आप समझ जाते हो कि क्या चीज कहाँ है क्या बोलना चाह रहा है इफ रीडिंग इज गुड यू कैन स्टार्ट एनी टाइम लेकिन अगर रीडिंग सही नहीं है तो आपको एटलीस्ट छः महीने चाहिए क्लैट की तैयारी के लिए उसमें भी आप क्या करोगे पहले अपनी रीडिंग को डेवलप करोगे रीडिंग स्किल्स इसको आपको डेवलप करना है इसके लिए आप न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे ठीक है न्यूज़पेपर्स नॉवेल्स ये सारी चीजें आपको साइड बाय साइड लेके चलनी है ये एक लौती चीज एकमात्र मा, एक चीज नहीं करनी है ठीक है तो ये चीज जब आपकी साइड बाई साइड चलती रहेगी और उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहोगे मिला जुला कर आपकी तैयारी एटलीस्ट छ महीने चाहिए आपको दैट इज सिक्स मंथ्स छह महीने चाहिए आपको तैयारी के लिए तो ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो अगर जनवरी में देख रहे हो सबसे बेस्ट टाइम है सबसे आइडियल टाइम है तैयारी के लिए बहुत चांसेस हैं कि आपकी सिंगल डिजिट रैंक भी आ सकती है बहुत चांसेस है ठीक है फेब में देख रहे हो अगेन बहुत अच्छा टाइम है अप्रैल भी अच्छा टाइम है मार्च भी अच्छा टाइम है अब उसके बाद जैसे मई जून आ जाता है छह महीने बचते हैं उस टाइम पे तब आप उस टाइम तैयारी चालू नहीं करी तो जैसे जितना लेट होता जाएगा उतने आपके चांसेस खत्म होते जाएंगे अच्छी रैंक लाने के वो बहुत एग्जांपल आपको होंगे अगर मैं उसको जानता हूँ इसको जानता हूँ इसका तीन महीने में निकल गया था दो महीने में निकल गया था चमत्कार सबके साथ नहीं होते मेरे साथ भी नहीं हुआ था सबके साथ भी नहीं होते ठीक है आप सबसे वर्स्ट के चला करो जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी को करने का सोच रहे हो कि मुझे कितना ज्यादा टाइम लगेगा क्या पता कुछ ऐसा फंस जाए बीच में जिसकी वजह से मेरा एक महीना चला जाए इसीलिए हमको जितना जल्दी हो सके इसका मतलब होता है टू स्टार्ट एस एप एज पॉसिबल नाउ दिस डिपेंड्स वीडियो आप कब देख रहे हो अगर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में देख रहे हो बहुत ही अच्छी बात है जल्दी से तैयारी चालू कर दो ठीक है इसका आंसर आपको मिल चुका होगा अब एक आंसर और होता है कि मैं इलेवेंथ क्लास में हूँ तब तैयारी चालू करूँ ट्वेल्थ क्लास में हूँ तब तैयारी चालू करूँ या फिर आफ्टर ट्वेल्थ तैयारी चालू करूँ वट आई वुड रिकमेंड के हम देखते हैं इन सब में एक बार इसको हटा देते हैं अगर मैं देखूं इलेवंथ क्लास ट्वेल्थ क्लास और आफ्टर ट्वेल्थ इसको हम बोलेंगे ड्रॉप ईयर दिस इज नॉट द आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन आप पूरी पढ़ाई करके ट्वेल्थ से निकल के आप ड्रॉप में आके तैयारी का सोच रहे हो आप वैसे ही बहुत लेट हो गए हो ठीक है कर सकते हो मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर आप कर सकते हो लेकिन इतना ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है कि आप पूरा दो साल रुक कर अगर आप टेंथ क्लास में भी ये वीडियो देख रहे हो इलेवेंथ क्लास में ये वीडियो देख रहे हो अगर आप एलेवेंथ में हो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन ये बेस्ट है ट्वेल्थ इज बेटर और दिस इज अ गुड टाइम कह सकते हैं तो हमारे ये हो जाते हैं बेस्ट बेटर एंड गुड अगर आप एलेवेंथ क्लास में हो तो बहुत ही अच्छा टाइम है मैंने खुद अपनी तैयारी इलेवेंथ क्लास से चालू करी थी पूरे के पूरे दो साल मिल जाते हैं इलेवंथ क्लास में किसी भी स्कूल में इतनी कोई खास पढ़ाई नहीं होती है कि बिल्कुल पढ़ाई में ही आपका पूरा टाइम चला जाए क्योंकि आप जब ट्वेल्थ में हो तो आधी ट्वेल्थ में आपका तो पेपर ही हो जाएगा ठीक है तो अगर ट्वेल्थ में आ चुके हो तो बस आपके पास छः महीना बचा है इसलिए ये आपका बेटर टाइम बच जाता है ये आपका बेस्ट नहीं हो बोलूंगा मैं ठीक है द बेस्ट टाइम नाउ वुड बी 11th क्लास पहले क्या हुआ करता था जब क्लैट दिसंबर में नहीं होता था तो वो अगले साल होगा मतलब दैट इज़ वो वो उस रिस्पेक्टिव ईयर के मे में होता था तो अगर मैं ट्वेल्थ में भी तैयारी चालू कर रहा हूँ तो मेरे पूरे बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद फिर मुझे एक आध दो महीने का ड्रॉप का टाइम मिल जाता था दैट इज़ के ब्रेक मिल जाता था तो मैं उसमें तैयारी कर लेता था ठीक है लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप जो ट्वेल्थ में हो उसी दौरान आपका पेपर हो रहा है और ट्वेल्थ के बोर्ड से भी पहले पेपर हो रहा है तो ट्वेल्थ की पढ़ाई को अगर हम थोड़ा सा साइडलाइन भी करेंगे बोर्ड्स के लिए अपन अगर दिसंबर में खत्म कर रहे हैं अपनी तैयारी पूरी प्रिपरेशन पेपर ही खत्म हो गया अपना क्लैट का जनवरी फेबर मार्च पूरा का पूरा बोर्ड्स के लिए अपने पास कोरा कोरा रिविजन का टाइम बच रहा है इसलिए हम ट्वेल्थ की अगर बोर्ड्स को थोड़ा सा बैकफुट पर भी डाल देंगे क्लैट की तैयारी के लिए ट्वेल्थ क्लास में तो कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता उससे ठीक है ड्रॉप ईयर तो पूरा ही आपका है तो उसमें तो कुछ खास ऐसी चिंता की बात है ही नहीं चिंता पहले ही हो चुकी है क्योंकि ड्रॉप हो चुका है तो इसलिए आपको पूरे के पूरे 24 घंटे तैयारी में देने ही देने ठीक है ठीके? अब हम चलते हैं आगे अगला पॉइंट है वेयर वेयर का मतलब होता है क्या मैं सेल्फ स्टडी करूं क्या मैं कोचिंग लूं दो ही चीज हो सकती है ठीक है तो सेल्फ़ स्टडी करने का ऑप्शन उन लोगों के लिए सबसे बेटर है जो कि एक बार कहीं कोचिंग ले चुके हैं और फेल हो चुके हैं उसमें पेपर में ठीक है मतलब मैंने एक साल एक्सड इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली वहाँ पर मैंने पूरी पढ़ाई करी मेरे पास सारे नोट्स हैं मैंने सारे टीचर्स से सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए मेरा पेपर कहीं एक दो नंबर से कोई बहुत अच्छा कॉलेज आता आता रह गया अब क्या मेरे फंडामेंटल्स कहीं गलत है बिल्कुल नहीं लेकिन क्या मेरी उस दिन कुछ बुरा हुआ मेरे साथ कुछ बीमार हो गया मैं या कुछ हो गया हाँ अगर बैड लक से आपका पेपर निकलना रह जाता है तो आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें तब आपको किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की कोई खास जरूरत मुझे नहीं लगती अगर बैड लक या फिर ऐसे कुछ फैक्टर की वजह से अगर आपका कुछ बीस तीस नंबर से सिलेक्शन रुका है तो भाई वापस से कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो तुम्हारे तो कंसेप्ट ही खराब है ठीक है बहुत हार्श ट्रूथ है ये जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी आगे बढ़ के पेपर निकालोगे अगले साल ठीक है कोचिंग आपको किस सिचुएशन में लेनी चाहिए जब आपकी फ्रेश स्टार्ट है फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो कुछ भी नहीं पता क्लैट के बारे में आप कोचिंग ले लो एडवाइजेबल है कितनी कोचिंग लेनी चाहिए मेरे हिसाब से सिर्फ एक हम जब कॉमर्स पढ़ते हैं तो उसमें टेलर ऑफ फ्यूल के प्रिंसिपल अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें एक चीज होता है यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दैट इज की अगर आपको कोई एक ही बंदा ढंग से पढ़ा रहा है अच्छा पढ़ाना चाहिए ऑब्वियसली लेकिन उसको वो बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए पढ़ाने वाला लेकिन अगर वो ढंग से पढ़ा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सुने क्योंकि अगर आप एक ही गुरु रखोगे तो उसकी सुनकर आप दस जगह कन्फ्यूज़ नहीं होगे आपको दस यूट्यूब चैनल नहीं छानने पड़ेंगे एंड आपका पेपर निकलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं अगर मैं बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के नोट्स ऐसे, ऐसे 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 बनाओ आप जाके फिर चार और टीचर्स से पूछ रहे हो वो बोल रहे नहीं ऐसे नहीं ऐसे बनाओ आप अल्टीमेटली कैसे भी नहीं बना पाओगे तो कोई सेंस नहीं बनती कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है एक कोचिंग लो कोई भी कौन कितने पैसे ले रहा है कौन कितनी ऑफरिंग दे रहा है मैं कहीं आपके लिए नापने वाला नहीं होता हूँ आप अपने लिए बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो नापने के लिए कौन कौन सा ब्रांड अच्छा है क्या है कैसा है ठीक है मैं अपनी खुद की एडवर्टीज़मेंट भी नहीं करूँगा यहाँ पर लेकिन आप देख सकते हो जाकर कि किसका कौन से ऑफरिंग अच्छे हैं किसकी प्राइस पॉइंट कैसी किसके है किसके टीचर्स अच्छे हैं आप जाके सबके यूट्यूब चैनल्स पे देख सकते हो कोई भी कोचिंग अगर आप जाना चाह रहे हो डेमो के लिए तो आप उसके यूट्यूब चैनल्स पे देख सकते हो आप उसकी मोबाइल ऐप पर जा सकते हो डेमो देख सकते हो अगर वो टीचर्स आपको बहुत पसंद आ रहे हैं तब जाकर आप पैसे दोगे लाख डेढ़ लाख रुपए दस हज़ार था बीस हज़ार पचास हज़ार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में अपने पापा मम्मी इतनी मुश्किल से कमा कर लाते हैं ऐसे रैंडमली नाम सुनकर गुडविल सुनकर नहीं घुस जाते किसी कोचिंग में बहुत कोचिंग बहुत माइल्ड प्रैक्टिस भी करती हैं जो दिखता है वो असली में शायद नहीं होता है इसीलिए हमको सीधे नाम सुनकर नहीं घुस जाना चाहिए किसी भी कोचिंग में ओके हमको यहाँ पर प्रॉपर डेमो लेकर हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है हमें असली में क्लैट की तैयारी करनी है नहीं करनी है ये सोचकर हमको जाना है उस कोचिंग ठीक है तो अगर आपकी फ्रेश स्टार्ट है तो आप जाओगे अगर आप फेल हुए हो लास्ट टाइम फेल एज एन आपकी रैंक बहुत खराब आई है वो भी बहुत बुरे मार्जिन से मतलब एक हो सकता है कि मुझे एनलिस आयू चाहिए था लेकिन मेरी रैंक ढाई आई करो कहीं दूसरे कॉलेज में जाके सेल्फ स्टडी करो ठीक है ये चीज अब दूसरा हो सकता है कि मुझे एनएलएसआई यू चाहिए था मेरी रैंक आई पच्चीस हज़ार अरे भाई मेरे ही खराब थे रैंक देख के पता लग रहा है मुझे पच्चीस हजार रैंक आई थी मेरे को तो पच्चीस आती तब मिलता है एनएलएसआई ठीक है इसीलिए अगर आपकी फाइव डिजिट सिक्स डिजिट ऐसी रैंक आ रही है फिर से कोचिंग ले लो यार कोई दूसरी आपकी करंट कोचिंग शायद जहां भी आपने ज्वाइन किया था या तो आप सिंसियर नहीं थे या तो वो कोचिंग सिंसियर नहीं थी जो आपको पढ़ा रही थी तो दोनों में से कुछ एक गलती हो सकती है क्योंकि मेरे केस में मैंने दो कोचिंग ज्वाइन करी थी एक इलेवेंथ में करी थी एक ट्वेल्थ में करी थी इलेवंथ में जो कोचिंग ज्वाइन करी वो कोचिंग सिंसियर नहीं थी तो मैंने ट्वेल्थ में दूसरी ज्वाइन करी जो कोचिंग भी सिंसियर थी और मैं भी सिंसियर था तो वो पेपर मेरा निकल पाया फाइनली जाकर एक अटेम्प्ट पहली बार में ठीक है तो आपको ये चीजें देखनी है ध्यान में रखनी है अब हो गया कि तैयारी कैसे करें ठीक है थीके? आपको सबसे पहले क्या करना है अब अब हम इस सिचुएशन में ये अज्यूम कर रहे हैं बहुत आइडियल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ मैं कि मेरा नाम प्रखर मिश्रा है मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली है मैंने मान लो पी डब्ल्यू ज्वाइन कर ली हम अज्यूम करते हैं मैंने पी डब्ल्यू ज्वाइन कर ली एज अ कोचिंग फॉर क्लैट की प्रेपरेशन अब मेरा स्कूल भी है या फिर मेरा ड्रॉप ईयर है दोनों सिचुएशन में हम एक काम कर सकते हैं हम क्या करेंगे स्कूल वाले बच्चों के लिए एक अलग प्रेपरेशन चार्ट बनाते हैं और ड्रॉप वाले बच्चों के लिए एक अलग प्रपरेशन चार्ट बनाते हैं ड्रॉप वाला एक प्रॉपर वीडियो में मैं आगे अलग से कवर करूँगा एंड

उनकी नींद वैसे ही उड़ी हुई है तो छः घंटे की ले रहे हैं नींद सिर्फ आउट ऑफ ट्वेंटी फोर इनके पास बचे हैं एटीन आवर्स आउट ऑफ ट्वेंटी फोर यहाँ पर एडवांटेज हो जाता है ड्रॉपर्स के पास अट्ठारह घंटे का और फ्रेशर्स के पास दस घंटे का इसीलिए ड्रॉप लेना आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप ट्वेल्थ में थे और पेपर दे रहे थे तो ड्रॉप लेना भी कंसिडर कर सकते हो कि इतना सारा टाइम अगर मुझे मिलेगा प्रिपरेशन के लिए मेरे फंडामेंटल्स और अच्छे हो सकते हैं तो मैं ड्रॉप लेने का कंसिडर कर सकता हूँ तो वो एक वीडियो में मैंने और पहले कवर कर रखा है कि शुड आई टेक अ ड्रॉप और नॉट ये चीज़ तो हम चलते हैं कि ट्वेल्थ क्लास वाले लोगों की तैयारी कैसे हो सकती है या फिर मैं इन जनरल बता देता हूँ जिससे दोनों ही ग्रुप्स खुश हो जाए जो कि स्कूल वाले भी हैं ट्वेल्थ वाले भी हैं कि तैयारी एग्जैक्टली exactly मैं कैसे कर सकता हूँ बहुत अच्छे से ओके okay. सबसे पहले आपको क्या करना है पॉइंट नंबर वन एस के आपको करनी है रेगुलेट अपनी नींद अब इमेजिन करो आज की तारीख से लेके 10 महीने बाद या 11 महीने बाद आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है कैन यू अफोर्ड टू स्लीप एट आवर्स नाइन आवर्स टेन आवर्स नेवर कैन यू अफोर्ड टू स्लीप फोर आवर्स नो फाइव आवर्स नो इसके बीच का हमको बैलेंस बनाना है या तो हम छः घंटे सोएंगे या तो हम सात घंटे सोएंगे ठीक है हमको क्या करना है नींद के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना बहुत ज़्यादा सोना है ना बहुत कम सोना है बहुत कम सो तो दिन भर नींद आएगी बहुत ज़्यादा सो तो अगेन दिन भर नींद और आलस आएगा किसी को दस घंटे सोने से दिन भर फ्रेश फील नहीं हुआ है आज तक ठीक है स्लीपिंग हमको एडवाइजेबल है सेवन आवर्स जब मुझे कोई ऐसा वीडियो में बोलता है ना कि सिक्स आवर्स टू सेवन आवर्स सोना है मैं हमेशा क्या करता हूँ लोअर नंबर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अगेन एक घंटा मुझे ज्यादा मिलेगा अगर मैं छे घंटे सोऊंगा क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लोग देख रहे हैं अगर हजारों लोग लाखों लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें बहुत लोग सेवन आवर्स लेंगे नंबर तो अगर मैं छह घंटे वाला नंबर उठा रहा हूँ अपने लिए तो अगेन मैं एक घंटा आगे हो गया बहुत लोगों से जो कि ये वीडियो देखेंगे इसलिए हमेशा जो सबसे बेर मिनिमम हो अपनी बॉडी के लिए प्रिपरेशन के टाइम पर टेम्प्रेली हम उतना कर सकते हैं तो मैं लाइफस्टाइल में अपनाने का नहीं बोल रहा हूँ लाइफ स्टाइल में लेकिन दस महीने में कोई मर नहीं रहा है कहीं कम सो के एक घंटा ठीक है प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी वो इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए इस साल अब हमने स्लीप रेगुलेट कर लिया हम 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 उठ उठ तो गए हम हम गए मान लो रात में बजे बजे सोए सुबह ठीक है आइडियल वे बता रहा हूं जिससे तुम्हारे मम्मी पापा भी खुश रहेंगे ये वीडियो देखकर कि हाँ हमारे बच्चे को रात में सुला रहा है ये नहीं सुबह सुला रहा है छह से बारह सो जाओ ऐसा नहीं ठीक है तो मेरे खुद के मम्मी पापा ये वीडियो देख के मुझे डांट देते अगर मैं ऐसा बोलता तो अब हम कहां जाते हैं अब हम जाते हैं रात के बारह बजे हम सो गए सुबह छह बजे हम उठे अब छह बजे उठ के करना क्या तुमको अब क्या करना है योर खाना रेगुलेट करना है प्लस उसका टाइमिंग रेगुलेट करना है अगर मैं तैयारी कर रहा हूं मुझे पता है मुझे किसी भी हालत में एक दिन का खाना पंद्रह से बीस मिनट से ज्यादा बैठकर खाना ही नहीं है मैं अगर कॉलेज की मैथ्स में भी तैयारी कर रहा हूँ कॉलेज में रह तैयारी कर रहा हूँ मतलब तो मैं कॉलेज जनरली क्या होता है जब हम कॉलेज जाते थे मैथ्स में जाते थे वहाँ पर मैथ्स में एक एक घंटा लग जाता है खाना लेते में नहीं खाना खाते में लोगों के साथ बैठ के गत पे लगाने में वहाँ पर हमको कट डाउन करना है कि हमारे पास स्ट्रिक्टली पंद्रह मिनट है अगर हम घर पर और बाहर किसी सेटिंग में है तो स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टी हमारे पास बीस मिनट है पंद्रह से बीस मिनट में हमको खाना खाना है हर मील सारी की सारी मील्स यहाँ पर अपने पंद्रह से बीस मिनट हो गए इन कितनी बार खाना खाओगे तीन बार तुम्हारे फोर्टी फाइव मिनट्स दिन में यहाँ लगे तुम्हारे छः घंटे यहां लगे घंटा पैंतालीस मिनट दिन में तुम क्या कर रहे हो ये वो वाले काम है जो कि तुमको करने ही करने हैं अब मान लो हम रूटीन टास्क जो है ब्रश करना वॉशरूम जाना आ, और नहाना ये सारी चीजें में हम निकाल देते हैं अपना एक घंटा और दिन का एक ही मान सकते हैं हाँ वन आवर एक घंटा दिन का यहाँ निकल गया तुम्हारे पास सात घंटा पैंतालीस मिनट प्लस पंद्रह और जोड़ के राउंड ऑफ कर दे आठ घंटे तुम्हारे दिन के जा चुके हैं इसके अलावा मेरे हिसाब से अगर तुम ब्रॉपर हो या फ्रेशर हो तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है अब स्कूल वाला तुम्हारा अलग फैक्टर हो सकता है उसमें मैं नहीं जा रहा अंदर लेकिन आठ घंटे तुम्हारे यहाँ जाने ही जाने हैं अब उसके बाद तुम्हारे पास बचते हैं चौबीस में से आठ चले गए तो कितने घंटे सिक्सटीन आवर्स सोलह घंटे की पढ़ाई तो होने से रही मुझसे हुई ना किसी से होती है जो यूपीएससी निकालता है वो भी सोलह घंटे कभी नहीं पढ़ता बोलने की बातें होती हैं सोलह घंटे में से अगर मैं आराम से दस घंटा भी पढ़ लू ना घंटा कुछ और करके मेरा क्लैट में सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंक लाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता ये दस घंटे की प्लानिंग कैसे होगी क्या करना है ड्रॉपर्स को उसके लिए अलग अगला वीडियो आप देख सकते हो फ्रेशर्स को क्या करना है और इन जनरल आपको क्या करना है उसका हम बताते हैं यहीं के यहीं ठीक है ये आपने नोट डाउन कर लिया हुआ वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो आपको दे रहा हूं मैं दो सेकेंड अब इस दस घंटे की प्लानिंग में हमको क्या करना है सबसे पहले हमको जाना है सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज हमको बनाना है अपना प्लान कौन बना के देगा किसी के भरोसे मत बैठो खुद बनाना है समझ में नहीं आ रहा टीचर से बात करूँ मेंटर से बात करूँ किसी के भरोसे कोई रैंडम वीडियोस तो वीडियोस देखने में दो घंटे लगा दोगे कि कहीं का प्लान बना के दे दे मुझे कोई ये प्लान सब्जेक्टिव होते हैं खुद के हिसाब से बनते हैं मेरी मैथ्स वीक है सबसे पहले मैथ्स उठाऊंगा मेरी करंट अफेयर्स वीक है सबसे पहले करंट अफेयर्स उठाऊंगा किसी ने बोल दिया कि सबसे पहले मैथ्स उठाओ तो मैं मैथ्स बहुत अच्छी लगती है तुम सबसे पहले उठा के वही करने लगे जिसको तुम्हें टाइम लास्ट में देना था इसमें क्या होता है कि हमको जाना होता है वीक सब्जेक्ट से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तक थ्रू आउट द डे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है अगर मेरा दिमाग थर्टी परसेंट कैपैसिटी पर भी होगा और मुझे करंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो मैं उसमें भी कर लूंगा लेकिन मेरा दिमाग जब हंड्रेड परसेंट कैपैसिटी पर है तो जो सब्जेक्ट मेरे दिमाग का दही करता है मैं सबसे पहले वो उठाऊँगा इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है सब्जेक्ट वाइज अपना प्लान बन गया अब इसका दस घंटे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरी प्रेपरेशन में जो चीज़ है वो है एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन मान लो ठीक है अब अगर यहाँ पर मैंने दस घंटे हटा दिए हैं तो इसमें से मैं अगर छः घंटे तुम्हारे पास बच रहे हैं इस छः घंटे को भी हटा देता हूँ इस छः में से तुम्हारे पास सिर्फ चार बचेंगे क्योंकि तुम्हारी टू आवर्स की क्लासेस होगी टू आवर्स या फिर फोर आवर्स दो यहाँ से उठा लो दो यहाँ से उठा लो आठ घंटे की ये पढ़ाई हो गई दो घंटे प्लस दो घंटे दो घंटे की एक क्लास प्लस दो घंटे की दूसरी क्लास चार घंटे की तुम्हारी क्लासेज हो गई यहाँ आठ बचे यहाँ चार बचे ठीक है तो अब तुम्हारे पास अल्टीमेटली खुद के लिए बच रहे हैं लाइफ में अगले दस महीने छ महीने सात महीने चार घंटे हर दिन बहुत सफिशेंट होता है ठीक है ये चीज अब इसके ऊपर अगर मैं आऊं एक और चीज़ अगर मैं करना चाहूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत एडवाइजेबल है मानना हो मानो नहीं मानना पेपर नहीं निकलेगा ठीक है तो अगली चीज़ है दैट इज क्विट distractions डिस्ट्रैक्शंस आपको खत्म करने हैं तब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी यूजफुल बहुत लोग को पता तो है कि ये चीज़ करनी होती है लेकिन ऑब्वियसली वो करते नहीं है क्यों क्योंकि होता नहीं ओके okay. सबसे पहले आपको हटाना है सोशल मीडिया एक साल स्नैपचैट नहीं चलाएंगे कुछ नहीं बिगड़ेगा एक साल इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे कुछ नहीं बिगड़ेगा कहीं की कोई ऐसी कोई राष्ट्रीय खबर नहीं आ रही सोशल मीडिया पर जो तुमसे अनजान रह जाओगे तो क्लैट में तुम्हारा स्कोर गिर जाएगा सोशल मीडिया हटाना है और नेगेटिविटी हटानी है अपनी लाइफ में से क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड के वैसे ही दिमाग का दही कर रहा है अपना मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग और करंट अफेयर्स और ये और वो उसके अलावा तुम तो और भी दूसरी चीज़ें ये कि इसने वो कर दिया उसने वो कर दिया मेरे बारे में वो ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है नेगेटिविटी को कट ऑफ करना है ठीक है एंड अगर आप डेट कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं तो बिल्कुल कंसिडर ना करें उसको कर रहे हैं तो अपने पार्टनर से बोलें कि ज़रा मुझे दिन के चार घंटे ही मिलेंगे तो मैनेज इन दैट टाइम ओनली एंड मेरे हिसाब से तो कंसिडर ही मत करो स्कूल में हो तो यार बहुत एवेन्यू एंड स्कोप है आगे भी लाइफ में तब की तब देखी जाएगी बट अभी पेपर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये चीन चीज़ें अगर आपने कर ली एंड डेली बेसिस पर नहा कर धोकर पूजा पाठ भी कर लिया जो भी तुम्हारा धर्म है रिस्पेक्टिव उसके हिसाब से तुम नमाज पढ़ लो तुम्हें अगर गुरुद्वारा जाना है वहाँ चले जाओ मंदिर जाना है डेली वहाँ चले जाओ लेकिन स्पिरिचुअली तुमको जुड़ना ही जुड़ना है अगर अतिष्ट हो तो वो बात अलग है तुम्हारे फिर अपने अलग बिलीव हैं बट ये सारी चीज़ें जब तुम इंश्योर करोगे तो मेरी गारंटी है एक तरीके से सारी चीज़ें अगर फॉलो करिए तो तुम अंडर हंड्रेड बहुत अच्छे से आ रहे हो फ्लैट में वॉट एवर एग्जाम दैट इज क्लैट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट जब भी ये वीडियो देखोगे मेरी गारंटी है बहुत अगर सिंसियरली स्टेप्स फॉलो करें यू विल इंश्योर दैट यू आर गेटिंग डबल डिजिट और सिंगल डिजिट रैंक्स डिपेंड्स ऑन द पेपर एंड वॉट एवर यू द एग्जाम एंड दैट वॉज इट फॉर द वीडियो आई होप कि तुमको अच्छा लगा हो एंड अगर इस पूरे मेट्रिक्स में कुछ भी तुमको डाउट है कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है कि सर ये कैसे होगा या मेरा ये नहीं हो पाता वो नहीं हो पाता कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताओ जैसा भी तुम्हें वीडियो लगाओ वो भी बताओ एंड थैंक यू सो मच